फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो 50 सेंटीमीटर लेंस से दूर रखा गया और वो वर्चुअल इमेज बनाता है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर पे फ्रंट ऑफ लेंस पे। तो इसका डायग्राम बनाना है इस इंफॉर्मेशन से, इसका फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कह रहा है ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो यू हो गया -50 और इमेज डिस्टेंस हो गया -10 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज हमेशा नेगेटिव में आता है। तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, इससे हम लोग फोकल लेंथ निकाल देते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारा यहाँ सॉल्यूशन करके एलसीएम लेने के बाद आया हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे 12.5। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारा हो गया 12.5। फिर इससे मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है v/u। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ गया, 0.2 m। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका रे डायग्राम देखते हैं। फोकल लेंथ है 12.5। ठीक है, तो इसका 2f हो जाएगा तुम्हारा 25 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, मतलब 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है। तो इमेज इसका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है और स्मॉल साइज का इमेज है। और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस इज +0.75। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ लेंस। यहाँ कह रहा है कि हमारा मैग्निफिकेशन है वो हमारा 0.75 दिया गया है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है और किस टाइप का लेंस ये इमेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैग्निफिकेशन दिया हुआ है हमारा +0.5। मैग्निफिकेशन क्या है हमारा, <1 से कम है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव है हमारा तो ये होगा हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तुम्हारा 1 से कम है तो कॉनकेव लेंस होगा, अगर 1 से ज़्यादा रहता है तो वो कॉन्वेक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ 1 से कम है तो इसलिए हमारा ये कॉनकेव लेंस है।